आपको बता दें कि एक समय था जब सेडान कार लैंसर का भारत में दबदबा था, लेकिन ये कार इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उस वक्त तक किसी अन्य कार ने इसकी जगह नहीं ली। वक्त के कार की चमक फीकी पड़ती चली गई और ये कार मार्केट से गायब ही हो गई। पर मित्सुबिशी की ये कार एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जी हाँ, बता दें कि जानकारी मिली है कि कंपनी इसे एक बार फिर से लॉन्च करने वाली है, लेकिन ये सेडान में नहीं बल्कि क्रॉसओवर एसयूवी या क्रॉस हैचबैक के रूप में आएगी। वैसे उम्मीद की जा रही है कि नई लैंसर को रेनो निसान के गठबंधन वाले CMF-CD प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पर निसान एक्स ट्रेल को भी तैयार किया गया था। नई लैंसर का डिज़ाइन ई-इवोल्यूशन क्रॉसओवर से मिलता जुलता होगा। ई-इवोल्यूशन को कंपनी ने पिछले साल टोक्यो मोटर शो में दुनिया के सामने पेश किया था। इंजन से जुड़ी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कयास लगाई जा रही है कि कई नई लेंसर में हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जा सकता है। इस समय भारतीय कार बाजार में मित्सुबिशी ऑलराउंडर और बेजोरो को बेचती है। ऐसे में भारत में नई लेंसर को लॉन्च किया जाएगा या नहीं, इस बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यदि कंपनी इस कार को भारत में लॉन्च करती है तो इसकी संभावित कीमत 12 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।